कार्डियोथोरेसिक कंडीशन एंड द क्लियरेंस टेक्निक। ठीक, एंड द क्लियरेंस टेक्निक को पढ़ने से पहले हम लोग ये क्लियर करेंगे कि हमारे लंग्स में कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब जो हमारा राइट साइड है इसमें कितने लोब्स होते हैं? थ्री लोब्स। लेफ्ट साइड में हमारे टू लोब्स होते हैं। जो राइट साइड है इसमें अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। लेफ्ट साइड में अपर लोब एंड लोअर लोब। जो अपर लोब है, अपर लोब में थ्री सेगमेंट होते हैं, अपाइकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। मिडिल लोब में होता है लैटरल एंड मीडियल सेगमेंट। लोअर में होता है सुपीरियर, एंटीरियर वेसल एंड लैटरल वेसल। लेफ्ट साइड में अपर लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब में अपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर एंड इंटीरियर। लोअर लोब में सुपीरियर, लैटरल वेसल एंड एंटीरियर एंड मीडियल वेसल। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक क्या होती है? एयरवे क्लियरेंस टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम हमारी लंग एक्सपांशन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे लंग्स में जो सिक्रीशन बन गए हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिक्रीशन ज्यादा अमाउंट में जब बनता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो दो टेक्निक्स होती है, मैन्युअली होती है एंड मैकेनिकली होती है। मैन्युअली मींस हम जिसको हाथ से अप्लाई करते हैं, मैकेनिकली मींस हम जिसको बॉडी लिमिट से अप्लाई करते हैं। तो जो हम हैंड से अप्लाई करते हैं वो होती है हमारी मैन्युअल। तो उसमें फर्स्ट होती है हमारी पर्कशन, सेकेंड होती है हमारी वाइब्रेशन, एंड थर्ड होती है हमारी शेकिंग। जो पर्कशन होता है, पर्कशन को हम कर्व हैंड से देते हैं। हमारी जो कर्व हैंड है इसे हम हमारे चेस्ट पे पर्कस करते हैं। इसको पर्कस करने का तरीका होता है कि हम डायरेक्ट हमारे बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं देते, हमारे रिब्स पे नहीं देते, इससे हमारी रिब फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, रिब्स के जस्ट ऊपर ना देते हुए हम मस्कुलर एरिया पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें 100 to 200 पर्कस पर मिनट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्कशन को हम पोस्टर ट्रेनिंग पोजिशन में अप्लाई करते हैं। पोस्टर ट्रेनिंग पोजिशन एक ऐसी पोजिशन है जिसमें हम पेशेंट को एक पोजिशन पर बैठाते हैं या फिर हम उसको लाइन डाउन कराते हैं, है ना। उस कंडीशन में हम पेशेंट को पर्कशन, वाइब्रेशन एंड शेकिंग अप्लाई करते हैं। जब पेशेंट जिस पर हम पोस्टर ट्रेनिंग की किसी कंडीशन में हम जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उसके पोस्टर ट्रेनिंग की पोजिशन होगी। जैसे अपाइकल है तो अपाइकल के लिए जो पोजिशन होगी उस पोजिशन पर पेशेंट को लेकर उस पर हम पर्कशन अप्लाई करते हैं। जब हम पर्कशन उस पोजिशन पर अप्लाई करते हैं तो इजीली उसका जो सिक्रीशन है वो ब्रेक आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो पर्कशन है